कुल्लू जिला में कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की। इस दौरान देव सदन के सभागार में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मंडी प्रतिभा सिंह का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर कई नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनाने के लिए जिला से बूथ स्तर से लेकर घर घर तक केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करने का आह्वान किया। आप सब जानते हैं, मैंने अभी अपने भाषण में भी बड़े स्पष्ट तौर से बात कही है कि आज देश का प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी किसी की आवाज़, विपक्ष की आवाज़ को नहीं सुन रहे। हम अपनी बात विधानसभा में रखना चाहते हैं, हम अपनी बात पार्लियामेंट में रखना चाहते हैं, पर वो हमारी बात को अनसुनी कर रहे हैं। कई बार ये प्रयास किए गए पर वो सुनने को राजी नहीं है। तो अंततः राहुल गांधी जी ने ये निर्णय किया कि मैं पैदल चल के लोगों से संपर्क भी करूंगा, बातचीत भी करूंगा और अपनी बात भी उनके सामने रखूंगा। जोड़ो यात्रा का संदेश है और ये संदेश इसके बाद कैरी ऑन करने के लिए हमने सारे स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया जहाँ जहाँ कांग्रेस हमारी मजबूत है, सशक्त है, उनको कहा है कि आप लोग जाकर अपने अपने एरिया में इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल से बूथ लेवल और बूथ से घर घर तक इस संदेश को पहुंचाएं कि हम ये भारत यात्रा क्यों कर रहे हैं। और जो ये अब की जा रही है उसको हमने नाम दिया है हाथ से हाथ जोड़ो, कि जैसे भारत जोड़ो थी उसके बाद अब हम हाथ से हाथ, मतलब व्यक्तिगत तौर से हर व्यक्ति से संपर्क करेंगे और इस संदेश को देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमने बड़ा एक्सटेंसिवली इसको करना है और कई जगहों में अभी बर्फबारी है जहां हम नहीं जा पाए, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर और कई एरिया में जहां जहां बर्फ है, उसको मार्च से हम करेंगे और इस संदेश को घर घर तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्व सरकार को ये पूछना चाहती हूं कि आपने क्या क्या नहीं किया। आपने तो सारे ठगी के काम किए। आपने मंडी में जाकर ये बोल दिया जी हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, उसकी अभी भूमि भी अधिग्रहण नहीं हुई, 5 सालों में आपके पास एयरपोर्ट नहीं बना। आपने कितनी घोषणाएं कर दी, कितना कुछ कह दिया, जो स्कूल हमारे खाली थे वहाँ टीचर देने के बजाय आपने और स्कूल घोष के हम स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, CHC खोलेंगे, SDM बिठाएंगे, ये करेंगे, वो सारी बातें केवल मात्र लोगों को भ्रमित करने की थी, लोगों को ठगने की थी। और आज लोगों ने इन बातों को समझा है और सरकार परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लोग चाहते थे कि अंततः कांग्रेस ही पार्टी ऐसी है जिसने पहले भी काम किया, उसी पार्टी से हमको उम्मीद है, इसलिए उन्होंने दोबारा ये जो कांग्रेस को सत्ता में लाया है इस उम्मीद से कि हम इस सरकार के कार्य को बेहतरी तरीके से कर सकें। जहाँ तक आपने क्या प्रश्न, वो गारंटी ओवरनाइट तो नहीं होगी ना। हमारे ऊपर कितना फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम किस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है प्रदेश। पहले ही हमारे को 75,000 करोड़ का कर्जा भाजपा की सरकार छोड़ के गई है। अभी हमने अपना काम शुरू करने के लिए और कर्जा लिया है तो भी एडिशनल 90,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। पर उसके बावजूद भी हमने OPS लागू किया है और इसके बाद जो हमने महिलाओं को देने की बात करी है उसको भी चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे। हम झूठे वायदे नहीं करते। हमारा कांग्रेस का नारा भी रहा कि झूठे वायदे हम नहीं करेंगे और जो कहा है उसको करके देंगे। इट इज़ नॉट कि हम बोल दें, पर उसके लिए हमको पहले आर्थिक तौर से मजबूत होने की आवश्यकता है, पैसे की जुगाड़ करने की ज़रूरत है, ताकि हम उन गारंटी में जो हमने बातें की हैं हम उन बातों को पूरा करें।